दोस्तों, आजकल विज्ञान ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है और कुछ देश विज्ञान के क्षेत्र में इस कदर डेवलप हो चुके हैं कि वो आज दुनिया से कई साल आगे की लाइफ जी रहे हैं। शायद आप जान गए होंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। और तो और, जापान एक बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो चलिए बात करते हैं जापान के उन फैक्ट्स के बारे में जिनसे हमें लग रहा है कि जापान फ्यूचर की लाइफ ही तो जी रहा है। ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का आविष्कार जापान में हुआ था और इस ट्रेन के लिए जापान को बहुत ज्यादा माना जाता है। बुलेट ट्रेन की स्पीड आज की ट्रेनों में सबसे ज्यादा है और ये ट्रेन काफी ज्यादा लग्जरी भी है। दोस्तों, टोक्यो की यूरिका मोम लाइन ट्रेन को चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं है क्योंकि ये ट्रेन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है और इसे एक अलग रूम में बैठे कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। और तो और, इस ट्रेन में एडिशनल फैसिलिटीज भी है जो आपको शायद किसी और ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगी। टोक्यो की एक ट्रेन चिबा अर्बन मोनारेल में कई सारे एडिशनल फीचर है और इसमें ट्रेन के ट्रैक हवा में, यानी कि ये ट्रेन उल्टी चलती है। दुनिया की एकमात्र ही है ये ऐसी ट्रेन जो उल्टी चलती है। जापान केवल ट्रेनों में ही नहीं बल्कि गाड़ियों में भी आ गया है आगे। जापान की सड़कों पर डायगोनल जेब्रा क्रॉसिंग होती है जो कि दूसरे देशों में बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें लोग एक साथ में सड़क को पार करते हैं और जापान की सड़कों की ट्रैफिक लाइट और रोड लाइट में भी कई एडवांस फीचर है। होटल विद रोबोट स्टाफ। दोस्तों, जापान के कई होटल्स में स्टाफ के रूप में रोबोट काम करते हैं जो कि वाकई में हैरान करने वाला है। यहाँ पर रिसेप्शन से लेकर वेटर तक का काम रोबोट ही करते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है नो होटल। इसका ट्रांसलेट द वियर्ड होटल है। आपको इस होटल में केवल 10 स्टाफ दिखाई देंगे जो कि इंसान है और ये इंसान यहाँ के रोबोट्स की देखभाल करते हैं, यानी कि इस होटल का सारा काम रोबोट ही देखते हैं। यहाँ वेटर का काम और साफ सफाई करने वाला भी रोबोट ही है जो वाकई में हैरान करने वाला है। ये रोबोट वहाँ के लोगों से बातें करता है और किसी इंसान से कम नहीं लगते। इसलिए कहते हैं जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे है। जापानी शॉपिंग मॉल। दोस्तों, जापानी लोगों के बारे में कहा जाता है काफी ईमानदार और सच्चे होते हैं। इसी कारण जापान में कई शॉपिंग मॉल ऐसे हैं जहां पर कोई भी इंसान नहीं है या एक दो इंसान ही है। यहां पर आपको केवल सामान मिलेगा। आप अपना सामान ले लीजिए और सामान के पैसे काउंटर पर रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। यहां पर सीसीटीवी का यूज भी बहुत कम होता है क्योंकि यहां के लोग काफी ज्यादा सच्चे माने जाते हैं। और तो और, आपको यहां पर शॉपिंग मॉल में अलग ही नजारा देखने को मिलेगा जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली हमारे देश में तरबूज गोल होते हैं लेकिन जापान के तरबूज स्क्वायर शेप में होते हैं जिनको आप फ्रिज में आसानी से रख सकते हो। और तो और, जापान के मॉल में मिलने वाली चिंगम के साथ आपको एक पेपर में मिलता है ताकि आप चिंगम को पेपर के अंदर लपेट कर फेंक सके, यानी कि जापान में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और तो और, शॉपिंग मॉल में ही आपको छोटे छोटे सामान को रखने के लिए लॉकर रूम होता है ताकि आप उस सामान को रख कर कोई और सामान साथ में खरीद सको। ये मॉल बहुत ही ज्यादा लग्जरी होते हैं और इनमें कई सारी एडवांस सुविधाएं और एडवांस फीचर भी होते हैं। कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान इकलौता ऐसा देश है जहां पर कैप्सूल होटल पाए जाते हैं। ये होटल बड़ा होता है लेकिन इस होटल में आपके लिए रूम बहुत छोटे होते हैं। यहां पर आपको ये छोटा रूम मिलेगा जिसमें आप आराम से सो सकते हैं और बिना छत से छुए बैठ सकते हैं। और इस छोटे से रूम में आपको आपकी जरूरत की सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आपका छोटी एसी, एक बल्ब, कपड़े टांगने के लिए हैंगर, चार्जिंग प्लग और भी आपकी जरूरत की सारी सुविधाएं मिलेंगी। जापान के होटल विशेष तौर से रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे के पास बने होते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए किसी यात्री को किसी कारणवश रुकना पड़े तो वह आसानी से यहाँ ठहर सकता है। और यहाँ पर हर 5 आदमियों के लिए एक बाथरूम होता है लेकिन ये बाथरूम बहुत ही ज्यादा साफ होते हैं। इनकी नियमित तौर पर सफाई की जाती है। वेंडिंग मशीन। दोस्तों, वेंडिंग मशीन के बारे में आप जानते होंगे जिसमें हमें चॉकलेट, चिप्स जैसी खाने की चीजें मिलती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जापान की वेंडिंग मशीन चिप्स, चॉकलेट के अलावा घरेलू सामान, यानी आपको सब्जी, कपड़े, फल, यहाँ तक कि पालतू जानवर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में वेंडिंग मशीन बस कुछ ही है जो कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जापान में 5.5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन है और यहाँ पर हर 200 से 250 मीटर की दूरी पर एक वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। जापान की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है। जापानीज टॉयलेट। दोस्तों, जापान के टॉयलेट भी थोड़े हाई लेवल के होते हैं, यानी कि ये नॉर्मल टॉयलेट से थोड़े हाई टेक्निकल होते हैं। ये आपकी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार काम करता है। ये इस तरह डिजाइन किया हुआ होता है कि इसका यूज करने वाले को कोई परेशानी ना हो। अगर मान लो आपको टॉयलेट करने जाना है और आपके पास बेबी है तो भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जापान के हर टॉयलेट में एक बेबी चेयर भी होती है जहाँ पर आप अपने बच्चे को बैठा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। साथ ही इस टॉयलेट में कई ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि आप जब इस टॉयलेट का यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिक टॉयलेट में खुशबू फैला देगा।
अगर मान लीजिए आपको लूज मोशन हो रहा है तो एक टॉयलेट में म्यूजिक सिस्टम भी है जिसको आप ऑन कर सकते हो ताकि लोग आपके पेट से आने वाली आवाज को न सुन पाए। साथ ही साथ जापान के लोगों ने पानी बचाने की टेक्निक लगाई है। यहाँ पर फ्लैश टैंक के ऊपर ही हाथ धोने वाला सिंक है जिसमें आप हाथ धो सकते हो और वही पानी टॉयलेट में फ्लश के लिए यूज होता है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। धन्यवाद।